छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में स्वागत है दोस्तों। तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है, बदमाशों ने कार को बनाया मोबाइल बार। नशे में खुली डिक्की में बैठकर युवकों का हंगामा, पुलिस ने पीछा कर 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बिलासपुर में शराब के नशे में कार की खुली डिक्की में बैठकर हंगामा मचाने वाले 8 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शुक्रवार की रात युवक अपनी कार को मोबाइल बार बनाकर घूम घूम कर शराब पी रहे थे और उत्पात मचा रहे थे। पुलिस ने इन युवकों का पीछा कर उन्हें दबोच लिया। युवकों की मस्ती का वीडियो भी सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। सभी युवक कार में शराब की बोतल और डिस्पोजल गिलास लेकर घूम घूम कर शराब पी रहे थे। हुल्लड़ करते हुए बदमाश शहर के अलग अलग इलाकों में घूम रहे थे। इस दौरान किसी ने युवकों की इस हरकत को देख लिया और वीडियो भी बना लिया। इसकी शिकायत पुलिस अफसरों से की गई। फिर TI परिवेश तिवारी ने पेट्रोलिंग टीम भेजकर कार का पीछा कराया और युवकों को दबोच लिया। 2 दिन पहले ही पुलिस ने रात में नशे में गाड़ी चलाने वाले बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करने का दावा किया था। इस दौरान शराब के नशे में ड्राइविंग करने वाले 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। ऐसे में अब सवाल उठता है कि शहर में कभी बाइक तो कभी कार में सवार होकर बदमाशों की ओर से स्टंट करने और सोशल मीडिया में रील बनाने का वीडियो अपलोड करने की घटनाएं भी सामने आई। लेकिन पुलिस रात में वाहन चेकिंग के बहाने परिवार वालों को तंग करती है और वहीं स्टंट करने वाले बदमाशों पर ध्यान ही नहीं रहता। यही वजह है ऐसे इन पर पुलिस का खौफ ही नहीं रह गया है। सिविल लाइन TI परिवेश तिवारी ने बताया कि कार सवार युवकों के कार में घूमकर स्टंट करने की खबर मिली थी, जिस पर टीम ने बदमाशों का पीछा किया और उन्हें व्यापार विहार रोड में रोककर दबोच लिया। आरोपियों में देवरी खुर्द के लोकेश कुमार, तिफरा के शैलेंद्र मोहले, सरकंडा निवासी हजारी साहू, विनोबा नगर निवासी पंकज यादव, रिंग रोड निवासी चंद्रशेखर खैरार, विद्यानगर के प्रखर पटेल, मोपका निवासी परितोष और वैष्णवी विहार निवासी सोमेश्वर राव शामिल है। सभी के खिलाफ आबकारी एक्ट के साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।